हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आरआरबी एसएसई के सिलेबस के बारे में। ये हमारा दूसरा वीडियो है आरआरबी एसएसई से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीचे का रेड बटन दबाकर। अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा आपको इसकी जानकारी तुरंत मिल जाएगी और आप अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पहले वीडियो में जो आरआरबी एसएसई से रिलेटेड था, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सीनियर सेक्शन इंजीनियर से, जो कि क्लास वन की पोस्टिंग होती है, जिसमें हमने बताया था कि आपको कम से कम बीटेक पास होना चाहिए और एज आपकी कम से कम 20 से 34 साल की होनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपके सब्जेक्ट वाइज मतलब क्या सिलेबस होना चाहिए। एक चीज़ तो कॉमन रहती है, जो 60 नंबर के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आते हैं नॉन टेक्निकल, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि कुछ लड़के भाई स्टूडेंट हमारे फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत ऐसा स्पेशल चीज़ नहीं है कि मतलब कि जिसको आप ना जानते हो। जनरल अवेयरनेस का मतलब हो गया कि आपका जनरल अवेयरनेस ऑन रेलवे, रेल बजट, न्यू टेक्नोलॉजी एंड रिफॉर्म इन इंडियन रेलवे, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, करेंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स इत्यादि। तो हमारे करने का मतलब हो गया कि जनरल अवेयरनेस कुछ नहीं है, जीके और जीएससी है। तो अब जीएस में आपका जैसे कि इतिहास, भूगोल, पॉलिटिक्स साइंस, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था जिसको कहते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका मैं अधिकतर करता हूँ कि जनरल स्टडी अपना आप स्ट्रांग रखिए, क्योंकि ये हर जगह पूछ रहा है। और आपका जैसे कि ये तो खैर यूपीएससी का सिलेबस, यूपीएससी आई मीन टू टेल यू मीन्स ये आईएएस में तो जब भाई आपका इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजनीति विज्ञान, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, ये सब आपका तगड़ा होना चाहिए। तो वही चीज़ इसमें थोड़ा सा आपका डाल देता है। तो 60 क्वेश्चंस जो होते हैं, जो नॉन टेक्निकल होते हैं, उनमें जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस भी शामिल है। जनरल अवेयरनेस यही है, जीके और जीएस। और मैं अगली बात कर रहा था अर्थमेटिक और रीजनिंग, कहते हो देखिए अर्थमेटिक का जो सिलेबस होता है उसमें आपका अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, इंटरेस्ट जिसको ब्याज कहते हैं वो पढ़ना पड़ेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात जिसको हिंदी में कहते हैं वो पढ़ना पड़ेगा, परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा, टाइम एंड डिस्टेंस वर्क पढ़ना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ना पड़ेगा जिसको हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं, पाइप और सिस्टर्न्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मेंसुरेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एज प्रॉब्लम पढ़ना पड़ेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो केवल डाटा इंटरप्रिटेशन ही नहीं बल्कि DILR भी पूछ सकता है, यानी जिसको डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं, वो सब भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अर्थमेटिक में इस तरह से चीज़ें रहेंगी, और रीजनिंग में तो भाई आप जानते ही भाई, आपका बस उठा लेना है आर्यस अग्रवाल, उसका वर्बल और नॉन वर्बल सेक्शन दोनों ही पढ़ते जाइए, बस आपका पूरा अर्थमेटिक और रीजनिंग दोनों तैयार हो जाएगा। और जनरल अवेयरनेस में हमने बताता है ना कि जीके और जीएस पढ़ना है, बस उसमें आप पढ़ लीजिए। तो ये हो गया कि आपका नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट। तो ये नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट आपको चाहे आप किसी ब्रांच के हो, आपको बीटेक में आपका कोई भी ब्रांच हो, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच हो, सिविल ब्रांच हो, मैकेनिकल ब्रांच हो, एसेट्रा, दैट मीन्स इत्यादि। तो कहने का मतलब है आपका कोई भी ब्रांच हो, लेकिन आपको ये नॉन टेक्निकल पार्ट तो देना पड़ेगा, जो कि 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। उसके बाद 90 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, यानी 90 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो टेक्निकल होंगे। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो टेक्निकल आपके जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मान लीजिए ब्रांच वाइज, उनमें क्या क्या पूछे जाएंगे, मैं इसका टॉपिक वाइज एनालिसिस करूंगा, मतलब ब्रांच वाइज। तो ये हमारा पार्ट टू था। अब सारे चीज़ों को एक भी पार्ट में नहीं नरेट किया जा सकता है, तो आप हमारा अगला वीडियो देखते रहिएगा, जो कि सेक्शन इंजीनियर, आरआरबी सेक्शन इंजीनियर, यानी सॉरी आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जिसको आरआरबी एसएसई शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, रिलेटेड है। तो देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।